हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड किलोमीटर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस, मेरे पास ये क्वेश्चन यहाँ कॉपी किया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड किलोमीटर। मैं यहाँ इसे सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैटिक प्रोग्राम, बट उससे पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ऑफ कन्वर्जन। हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं ऑफ कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड किलोमीटर। सो बेसिकली MET या मीटर इज इक्वल टू, हम मीटर को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 एंड किलोमीटर इज इक्वल टू, हमें एक चीज और ऐड करनी है, हम यहाँ पे डबल डिवाइड यूज करेंगे। सो जो हमारा आंसर है वो हमें इंटीजर वैल्यू में मिले। सो मैं यहाँ इसे कमेंट कर रहा हूँ, अगेन इस फॉर्मूला को भी कमेंट कर रहा हूँ। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद अवर प्रोग्राम। सो सबसे पहले हमें स्टैटिक क्रिएट करना है प्रोग्राम। सो मैं यहाँ पे कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ स्टैटिक। यहाँ पे हमें टाइप करना है सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सपोज सेंटीमीटर है 50। नाउ इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इन टू मीटर, मैं टाइप करना है MET या मीटर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। मैंने पहला वेरिएबल क्रिएट किया सेंटीमीटर का, दूसरा मीटर नाम का वेरिएबल है इज इक्वल टू सेंटीमीटर, तो CENTIMET या सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। मैं यहाँ पे 0.0 यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं सिंगल डिवाइड यूज कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे 0.0 एड कर दिया है। एंड नाउ किलोमीटर इज इक्वल टू CENTI सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100000.0। एंड नाउ मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगा, प्रिंट डबल कोट्स में आएगा दी लेंथ इन मीटर कॉमा MET या मीटर, एंड यहाँ आएगा प्रिंट डबल कोट्स दी लेंथ इन KILO किलो MET या मीटर कॉमा KILO MET या मीटर किलोमीटर। सो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आएगी, द लेंथ इन मीटर एंड द लेंथ इन किलोमीटर। सो यहाँ पे इसे सेव कर रहा हूँ मैं 6.py के नाम से, एंड यहाँ से रन करते हैं। सो आ जाएगा द लेंथ इन मीटर इज 0.5 एंड लेंथ इन किलोमीटर इज 0.0005। नाउ हम इस सेम प्रोग्राम को डायनामिक वे में क्रिएट करेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग तरह। सो मैं टाइप कर रहा हूँ डायनामिक। सबसे पहले यूजर से वैल्यू लेनी है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CEN इज इक्वल टू FLOAT फ्लोट ब्रैकेट एंड द इनपुट ब्रैकेट एंड डबल कोट्स ENTR एंटर द लेंथ इन एंटर द लेंथ इन सेंटीमीटर। एंड मैं यहां पर बनाऊंगा MET या मीटर इज इक्वल टू CEN डिवाइड बाय 100.0। एंड देन मैं क्रिएट करूंगा किलोमीटर का नेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू, मैं KILO लिख रहा हूं खाली, CEN डिवाइड बाय 100.0। नाउ आई एम टाइपिंग प्रिंट डबल कोट्स दी LENGTH लेंथ इन MET या मीटर इज, एंड देन मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट डबल कोट्स दी LENGTH लेंथ इन किलोमीटर KILO MET या किलोमीटर इज, एंड हम ये ऐड कर देंगे कॉमा MET या मीटर कॉमा KILO किलो। जो आप यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हो आपको वही कॉमा के बाद लिखना है। सेव करते हैं। एंड यहाँ पे जो मैंने स्टैटिक प्रोग्राम बनाया था, मैं इसे मल्टीलाइन कमेंट कर रहा हूँ बाय यूजिंग 3 ट्रिपल कोट्स स्टार्ट और एंड। सेव कर रहा हूँ, F5 प्रेस करते हैं। नाउ इंसर्ट वैल्यू, नाउ आएगा एंटर द लेंथ इन सेंटीमीटर, सो आई एम इंसर्टिंग 100। सो लेंथ इन मीटर इज 1.0 एंड लेंथ इन किलोमीटर इज 0.001। सो गाइज, अगर आपको उसका सोर्स कोड चाहिए तो आपको इसका सोर्स कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो सोर्स कोड। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।